हेलो साथियों, कैसे हैं? सुयान एक्टिव में फिर से एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में चल रहे थे। और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो है, हम लोग मेनली थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लो और फर्स्ट लो कर चुके थे, और कुछ जो प्रोसेस हैं बहुत सारे वो हम उसमें देख चुके थे। ठीक है, अब जो है मैं आज स्टार्टिंग जो करवाने वाला हूँ आपको, वो पहले तो मैं इसमें कार्नो इंजन वगैरह जो है, जो हीट इंजन होते हैं उसको लूँगा। हीट इंजन के बाद स्पेशल टाइप ऑफ हीट इंजन जो कौन सा होगा, कार्नो इंजन, जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, उससे ज़्यादा किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी नहीं हो सकती, जो कि एक उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ता है, वो वाला टॉपिक लेंगे। और उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है उस पर चले जाएंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स जो है उसके साथ साथ जो आपका ये थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा, है ना। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमने पिछला वीडियो पढ़ा था उस पर जितने भी प्रोसेस हैं वर्क डन वाले वो सारे, देन उसके बाद कार्नो इंजन पे जो न्यूमेरिकल है वो वाले सारे वो देखेंगे। इसमें मैंने अगर हाँ एक चीज़ और, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप बुक्स कौन से यूज़ करते हो, क्या हो, तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया। अभी मेरे सामने 3 या 4 बुक खुली हुई पड़ी है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसके अंदर, ये आपकी राजस्थान बोर्ड वाली बुक भी मेरे सामने खुली है, है ना, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये आपकी बीएससी यूजी वाली बुक है, वो भी है। उसके साथ साथ एक मैंने जो है ये किसी इंस्टीट्यूट की बुक है, जिसमें आपके कह सकते हैं कि प्री मेडिकल वाला जो है ना, नीट वाले जो क्वेश्चन वगैरह, वो भी मैं इससे लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके और फाइनल जो इसका आपके पास रिजल्ट जो होता है इन सब का मिक्सचर, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसलिए मैं आपको बुक सजेस्ट नहीं कर सकता, है ना। बुक जो है मैंने आपको पहले कहा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट की प्री मेडिकल वाली जो बुक है ना, क्योंकि IIT वाले क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे आपके, है ना, उस लेवल तक नहीं जाएंगे। लेकिन क्योंकि उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, अगर ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो तो आप कंसेप्ट अगर समझ में आ गए तो IIT वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो ना। तो आप कोई भी जो इंस्टीट्यूट है उसकी बुक उठा लीजिए, 11th 12th की न्यूमेरिकल वगैरह सारे उस तक मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में राजस्थान बोर्ड की बुक है, उसके क्वेश्चंस आपके आते हैं वो क्वेश्चंस कर लीजिए। फिर उसके बाद में यूजी वाली बुक जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, CBSE वाली बुक है मेरे पास, उसके क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से मैं सबका मिक्सचर करके और फाइनल की मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पूरा टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे, ताकि आपको भी पता रहेगा कि आगे के, ऐसा नहीं कि पहले मैं 11th 12th, अब 11th के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के कितने 3 चैप्टर होंगे, है ना, यहाँ पूरी बुक मैं आपको करवा रहा हूँ। तो वो जो 3 चैप्टर में जो चीज़ पढ़ चुकी है, अगर वो यूजी में आ रही है तो मैं वापस उसको रिपीट नहीं करवा रहा, है ना, उसके साथ आगे आगे हम बढ़ते चल रहे हैं, है ना। ये आपने देखा होगा, यही प्रोसेस होता है, जिसमें क्या कि आपको समझने भी आएगा कि यूजी और अपने पास से जो सीनियर सेकेंडरी वाला है उसमें क्या आपस में रिलेशन है, है ना। चलिए, तो अब आ जाते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन के ऊपर। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, हीट इंजन। ठीक है, यानी कि उसमें इंजन। ठीक है, कार्नो इंजन इसका एक पार्ट है, दिमाग में रखना। कार्नो इंजन जो है हीट इंजन में सब तरह के इंजन है। ठीक है, तो इसके अंदर जो इंजन है हीट इंजन, है ना, वो क्या है कि जैसे आप क्या करते हैं, इसके अंदर एक सिंक होगा, एक सोर्स होगा और एक इंजन होगा। तो कोई भी हीट इंजन है उसका अगर मैं डायग्राम अगर बनाता हूँ तो क्या होगा, कुछ इस तरह का डायग्राम होगा उसमें। ठीक है, चलो इसको मैं बीच में नहीं बनाऊँ। ये क्या है हमारा, ये है सोर्स यानी कि स्रोत। ये क्या है, सोर्स, हिंदी में लिखेंगे तो स्रोत। इसका टेम्परेचर क्या होगा, T1K। ठीक है, यहाँ क्या होगा, एक सिंक। ठीक है ना, सिंक को सिंक ही कहते हैं। ये क्या होगा, एक सिंक। कितने टेम्परेचर पे होगा, T2 केल्विन पे होगा। और कंडीशन क्या होगी कि जो T1 है वो ग्रेटर देन होगा किससे, T2 से। बीच में क्या करेगा, एक इंजन जिसे मैं हीट इंजन कह रहा हूँ वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, Q1 उष्मा लेगा यानी ये हीट लेगा, उस उष्मा को लेकर ये इंजन क्या करेगा, वर्क। ये क्या है हमारा इंजन है, कौन सा, हीट इंजन। वो क्या करेगा, वर्क करेगा। वर्क करेगा तो क्या मिलेगा मुझे उससे, कार्य यानी कि ये मिलेगा। भाई इंजन से क्या कराते हो आप, कार्य कराते हो। भाई पानी की मोटर है उससे क्या करते हो, लाइट दे के उससे घुमा के और आप उससे वर्क करा रहे हो। क्या वर्क करा रहे हो, पानी के ऊपर भेज रहे हो या कहीं और भेज रहे हो, ये वर्क हो गया। आपकी जो कार वगैरह है उसमें इंजन है, बाइक में इंजन है, उससे क्या कर रहे हैं हम, उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं, डीजल डाल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, वो एनर्जी उसने ली, जो भी इसमें प्रोसेस हुआ इंजन का वो प्रोसेस हुआ, उससे हमने वर्क कराए, गाड़ी को आगे बढ़ाया, बचा हुआ धुआं निकल गया बाहर। ठीक है, तो यही प्रोसेस है सब कुछ, सारी की सारी चीज़ों का। तो ये वर्क हुआ, बची हुई जो उसमें है वो किधर चली गई, यहाँ चली गई Q2। तो कुल मिला के क्या हुआ, जो हमने एनर्जी सोर्स से ली है, सोर्स मतलब जिससे एनर्जी हमने ली, अब उसका टेम्परेचर क्या होगा, ऑलवेज ज़्यादा ही होगा, तभी तो आप इसको करोगे,
ठीक है। हाँ, रिवर्स भी हो सकता है, वर्क करके इसको ऊपर भी भेज सकते हैं, वो भी चीज़ हो सकती है ना। तो ये वाली जो चीज़ है ये एक सिंपल जो हमारे पास इंजन होता है उसकी प्रोसेस है, ठीक है। Q1 एनर्जी उष्मा लेगा, Q2 सिंको दे देगा और वर्क कर देगा, ठीक है। तो जो इसकी एफिशिएंसी होगी है ना, एफिशिएंसी होगी जिसको किससे डिनोट करेंगे, दक्षता। दक्षता किससे डिनोट करेंगे, इससे डिनोट करेंगे। वो क्या होगी, वो जो दक्षता होती है वो होगी वर्क डन डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब बाय इंजन, ठीक है। यानी कि किया गया कार्य डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, किया गया कार्य डिवाइडेड बाय मतलब कि सोर्स से ली गई ऊष्मा है ना। ये इसको ऐसे लिख देता हूँ, बाय सोर्स है ना, इंजन नहीं सॉरी सोर्स, हीट एब्जॉर्ब बाय सोर्स, यानी कि सोर्स से ली गई ऊष्मा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा आपके पास W अपॉन क्यू, ये क्या आएगा W अपॉन क्यू। ये सिंपल फॉर्मूला बना, किसका बना, कि इस इंजन की एफिशिएंसी यानी कि दक्षता कितनी होगी। किसी भी इंजन की दक्षता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो इंजन अच्छा होता है ना। दक्षता ज़्यादा होने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए पेट्रोल इंजन की बात करते हैं है ना, क्योंकि उस वो आप यूज़ करते हैं रोज गाड़ी वगैरह, तो हम कहते हैं उसमें एवरेज कितना है। तो एवरेज कितना होने का मतलब क्या है, यानी कि एक लीटर अगर पेट्रोल डाल रहे हैं तो कितना किलोमीटर चल रहा है, यानी कितना वर्क कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, इसने ऊष्मा ली, हीट ली, हीट लेने पे कितना वर्क किया वो क्या होगी इसकी है ना। तो ये किसमें आएगी, हमेशा एक से कम वैल्यू होती है, परसेंटेज में देखेंगे तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 100% हो सकती है, ठीक है। अब इस हीट इंजन के लिए जो आगे फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला क्या बनता है, क्योंकि मुझे क्या पता है मेरा Q1 जो है वो किसके बराबर है, Q1 जो है वो W प्लस Q2 के बराबर है ना, एक्चुअली Q1। तो अब यहाँ से क्या इक्वेशन बन जाएगी कि जो मेरा W है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Q1 माइनस Q2। तो ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, जैसे ही यहाँ रखूँगा तो ईटा इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे पास, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, ये हो गया 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। ये इसकी दक्षता हो गई, और परसेंटेज में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नीटा इन परसेंटेज, तो वो हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100, ठीक है, ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या समझे, ये समझे कि कोई भी हीट इंजन हो, देखो दिमाग में कार्नो मत रखना, कार्नो स्पेशल टाइप ऑफ इंजन है, ये दिमाग में रखना, ये गलतियाँ कई लोग करते हैं। कोई भी एक ऐसा इंजन है हीट इंजन, तो उसके लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 होगा, वहाँ T2 अपॉन T1 नहीं होगा। T2 अपॉन T1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टाइप ऑफ इंजन जो होगा, यानी कि वो कार्नो इंजन है, यानी कि वो क्या है, एक उत्क्रमणीय इंजन है। क्या है, उत्क्रमणीय इंजन है, उत्क्रमणीय का मतलब क्या है, रिवर्सिबल है, जहाँ से स्टार्ट हुआ वो वहीं वापस पहुँच गया। लेकिन नॉर्मली कोई भी प्रोसेस जो है वो उत्क्रमणीय, नॉर्मली जो हमारे पास जितनी प्रोसेस है ना, वो कोई भी प्रोसेस उत्क्रमणीय नहीं होता, वो क्या होता है, इररिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए इररिवर्सिबल अगर इंजन है तो उसके लिए, या कोई सा भी इंजन है उसके लिए क्या होगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये वाला, सॉरी वो परसेंटेज में ये वाला फॉर्मूला होगा। और अगर वो स्पेशल टाइप ऑफ कार्नो इंजन है तो क्या होगा, उसकी बात में आगे करता हूँ, ठीक है। चलिए, अब कार्नो इंजन है वो क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ इंजन है जिसकी एफिशिएंसी हीट इंजन में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। चलो, अगर ये मान लीजिए कार्नो इंजन होता है ना, कौन सा इंजन होता, कार्नो इंजन होता, तो उस केस में क्या होता है ना, अच्छा सॉरी ऊपर आएगी ये कार्नो, ठीक है। अब ये कार्नो इंजन है तो उस केस में क्या, कार्नो इंजन क्या स्पेशल टाइप ऑफ इंजन है, क्यों, ये जो इंजन है ये क्या है, उत्क्रमणीय है, ये दिमाग में रखना, ये क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ, उत्क्रमणीय का मतलब देखो, ये क्या है, एक आदर्श इंजन भी है, ये भी ध्यान रखना, क्या है, आदर्श इंजन है।
आदर्श इंजन होने का मतलब जो चीज़ आदर्श होती है आइडियल होती है, आदर्श का मतलब आइडियल है ना, और उत्क्रमणीय का मतलब रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो अगर वो रिवर्सिबल इंजन है, ठीक है, और तो इसका मतलब वो क्या है, आइडियल है। क्यों, मैंने आपको भी बताया है कि इस दुनिया में, इस हमारे जो नेचर है इसमें कोई भी प्रक्रम जो है वो रिवर्सिबल नहीं है। क्या नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, रिवर्सिबल वही प्रक्रम होगा जो बहुत धीरे धीरे चल रहा हो, ठीक है, जिसमें फ्रिक्शन नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या, हमारे यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, उसमें एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, एयर फ्रिक्शन है, अपन चल रहे हैं तो उसका फ्रिक्शन है, तो कोई भी प्रोसेस है उसमें के अंदर क्या है, फ्रिक्शन तो हर जगह आपको मिलेगा, फ्रिक्शन, ब्रेक फोर्स और दूसरे जो सुडो फोर्स, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, 56 फोर्स ऐसे बहुत सारे हैं जो क्या करते हैं, उस प्रोसेस में जब एनर्जी लॉस होती है तो अपन वापस उससे एनर्जी नहीं ले पाते। मान लीजिए फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस हो गई तो क्या वापस फ्रिक्शन करके एनर्जी ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, वो तो हो गई लॉस। ठीक है, इसलिए क्या होता है, कोई भी प्रोसेस हमारे पास जो है वो उत्क्रमणीय प्रोसेस नहीं होता नेचर में। तो ये जो कार्नो इंजन जो है वो क्या है, उसमें ये कहा गया है कि उत्क्रमणीय प्रोसेस, हाँ आप फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हो लेकिन जीरो नहीं कर सकते, है ना। ये क्या है, उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए जो है इसके अंदर जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कार्नो इंजन का, तो कार्नो इंजन के लिए क्या है, अगर मान लीजिए मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका प्रोसेस का, पीवी डायग्राम है ना, अल्टीमेटली हम क्या निकालते हैं उसका, पीवी डायग्राम निकालते हैं। तो इसका जो पीवी डायग्राम होता है वो क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है, ये पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं चलना, पहले ये प्रोसेस पे पहुँचते हैं, यहाँ पे कितना है P1, V1 और T1। ठीक है, कितना था, P1, V1 और T1। अब जब आप इसको, पहला प्रोसेस कौन सा होता है, ये होता है आइसोथर्मल। क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या करते हैं इसके अंदर, एक आपके पास वो आपको पता ही है क्या होता है कार्नो इंजन के अंदर, भाई एक पिस्टन लगा हुआ क्या होता है, कंटेनर होता है जिसमें आपने आइडल गैस भर रखी है, उस गैस वो क्या है चारों तरफ से तो क्या आइसोलेटेड है, और नीचे से नीचे से पैंदा जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। फिर आप क्या करते हो, उसको सोर्स के ऊपर रखते हो, जैसे सोर्स पर रखते हो तो सोर्स से क्या होता है, उसको हीट मिलती है। ठीक है, हीट मिलके और उसको तब तक बड़ा रखते हैं जब तक कि इसकी टेम्परेचर जो है वो T1 के बराबर नहीं हो जाए, है ना, तो वो उसमें एक्सपेंड होता है, तो उस एक्सपेंड होता है तो वो प्रोसेस कौन सा हुआ, एक्सपेंड हो गया, कहाँ पहुँच गया, T1 पे पहुँच गया, उस समय उसका टेम्परेचर T1, ठीक है, और ये आपके पास प्रेशर P1 और जो वॉल्यूम है वो कितना था, V1 था। अब आपने क्या किया, उसको ले जाके किस पर रख दिया, कुचालक के ऊपर, यानी इंसुलेटर के ऊपर रख दिया, तो बिल्कुल इंसुलेट हो गया, तो आइसोथर्मल वो कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोलेटेड हो गया, है ना पूरी तरह से वो। उस केस के अंदर अब क्या करते हैं, आप उसमें टेम्परेचर को उसके कम होने देते हैं, बढ़ने देते हैं, जो भी है प्रोसेस वो बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक्सपेंड होता है। तो क्या होता है वहाँ वर्क, तो वो कौन सा, वो आइसोथर्मल, क्योंकि उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यहाँ से है ना, यहाँ से क्या करते हैं, अब उसे कुचालक पर रखा, भाई पहले क्या था, इसके ऊपर रखा तो टेम्परेचर बराबर आ गया, फिर भी उसको रखे रहने दिया तो उसमें क्या वर्क हुआ और हीट मिलके, तो वो कौन सा हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचे, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी पी और वी तो चेंज हो गया लेकिन टी क्या है, वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है ये वाला। ठीक है, ये हमारा कार्नो इंजन का हो गया। अगला T1 है ना, ये उधर दिख रहा है, मुझे पता नहीं, तो ये यहाँ पे जो पॉइंट पहुँच रहा है वो क्या हो रहा है, P2, V2 और T1। उसके बाद क्या हुआ अगले केस के अंदर, है ना, थोड़ा सा मैं इसको उधर कर देता हूँ। अगले केस के अंदर क्या हो गया, अब यहाँ से आप क्या करते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम करते हैं, किस पर रखते हैं, उस इंसुलेटर के ऊपर रखते हैं, क्या करते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम करते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम में फिर क्या होगा, इस तरह से इसका टेम्परेचर भी चेंज होगा, है ना, थोड़ा इसको यहाँ रखते हैं, इसका टेम्परेचर भी चेंज होगा, है ना। अब रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या चीज़ चेंज नहीं होती है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है, बाकी सब चीज़ें क्या होती है, चेंज हो जाती, नहीं सॉरी, उसके अंदर रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम में वर्क करते हैं तो उसमें वॉल्यूम वगैरह सब चीज़ें चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये मिलेगा आपको P3, V3 और T2, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया, ये किस पे चल रहा था, T1 पे, ये चल रहा था T2 पे। ये कौन सा है, ये है एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। उसके बाद फिर से यहाँ फिर से हम क्या करते हैं, इसको सोर्स पे ले जाके रखते हैं, सॉरी सिंक पे ले जाके रख देते हैं। जैसे सिंक पे ले जाके रखोगे तो क्या होगा, आप धीरे धीरे वापस
इसका टेम्परेचर कितना होगा, T2 होगा। T2 टेम्परेचर होगा, फिर वो क्या करेगा, वापस पिस्टन जो है वो अपने आप ही उस पर जाएगा, किस पे वो होगा, क्या बोलते हैं, उसमें से एनर्जी निकलेगी, वर्क करेंगे तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी टेम्परेचर क्या होगा उसका, फिर से कम कहाँ पहुँच जाएंगे, ये जो प्रोसेस है वो पहुँच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास T2 टेम्परेचर पे हो रहा, लेकिन कौन सा हो रहा है, ये हो रहा आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें आपको मिलेगा P4 V4 और T2। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद ले जाके फिर जो है आपके पास इंसुलेटर जो है उसके ऊपर रख देंगे, तो फिर से क्या होगा, फिर से आपके एडियाबेटिक प्रोसेस होगा और वो धीरे धीरे ठंडी होगी, गैस ठंडी होकर फिर से कहाँ पहुँच जाएगी, T2 पे पहुँच जाएगी, ठीक है, इस टेम्परेचर पे। तो ये जो प्रोसेस है इस तरह से, ये क्या है, चक्रीय प्रक्रम है ना, क्या है, चक्रीय, और उसको क्या बोलते हैं, उत्क्रमण। उत्क्रमण क्यों, यहाँ से स्टार्ट हो वापस हम कहाँ पहुँच गए, वहीं पे पहुँच गए, तो जहाँ से स्टार्ट हो वहीं से पहुँच गए, इसका मतलब क्या, ये इस तरह से लगा देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, उत्क्रमणीय प्रोसेस, और उत्क्रमणीय प्रोसेस जो है वो किसमें हो रहा है, कार्नो इंजन में हो रहा है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, ये जो आपके पास PV डायग्राम के अंदर अगर वर्क डन निकालना चाहते हैं, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, जब ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया था कि ग्राफ वाले क्वेश्चन के अंदर आपको एरिया अंडर द कर्व, यानी कि इसके अंडर का जो एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है, इसका एरिया, इस ग्राफ के अंदर एरिया, इसके अंदर और इसके अंदर, चारों को अंडर करके उसको जोड़ना है। तो पहला कौन सा, आइसोथर्मल, ये कौन सा, आइसोथर्मल, तो पहले और तीसरे में आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरे और चौथे में एडियाबेटिक प्रोसेस, दोनों के लिए मैंने आपको क्या बताया, कैसे फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला बनेगा, और जब फाइनली उसको जब पूरा सोल्व करेंगे, उस डेरिवेशन पे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, फाइनल उसमें सोल्व करेंगे तो आपको जो इसकी नीटा मिलेगी, एफिशिएंसी, वो क्या मिलेगी, 1 - T2/T1, क्या मिलेगी, 1 - T2/T1। और ये T2/T1 वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, कार्नो इंजन के लिए है, T1/T2 वाला किसी नॉर्मल अनुत्क्रमणीय प्रकरण के लिए नहीं है, ठीक है, किसी अनुत्क्रमणीय प्रकरण के लिए नहीं है, ठीक है। और अगर परसेंटेज में जाओगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज में जब इसको 100 से गुणा कर दो, ठीक है, तो किसी भी इंजन के लिए, अब इसमें जैसे एक थ्योरम होता है, कार्नो का थ्योरम है, कार्नो थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी इंजन में है ना, अगर हम बात करें तो कार्नो इंजन की दक्षता सबसे ज़्यादा होगी, एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी, कार्नो इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जो एक उत्क्रमणीय है, बाकी जो भी इंजन है वो सबकी इंजन दक्षता क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि नीटा जो है वो रिवर्सिबल के लिए हमेशा ग्रेटर देन होगा नीटा इररिवर्सिबल के लिए, ठीक है, ये आप दिमाग में, जो उत्क्रमणीय इंजन का हमेशा एफिशिएंसी ज़्यादा होगी अनुत्क्रमणीय इंजन के अपेक्षा में, ठीक है, आधा था लिखा है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है, तो रिवर्सिबल के लिए ज़्यादा, इसको पूरा ही लिख दूँ क्या, रिवर्सिबल, ठीक है, और ये इरिवर्सिबल, तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट था ही और ये इम्पोर्टेंट, हर टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है आपके पास इम्पोर्टेंस आ गई, ठीक है, वो इरिवर्सिबल था, हीट इंजन किसके लिए था, इरिवर्सिबल, ये कार्नो इंजन स्पेशल टाइप ऑफ आदर्श इंजन है, रिवर्सिबल है, यानी कि उत्क्रमणीय है, तो इसके लिए फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। तो हमेशा दिमाग में रखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे क्वेश्चन में आपके अनुत्क्रमणीय इंजन दे रखा हो और वहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगा के उसके दक्षता निकाला हो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हालांकि ऐसा क्वेश्चन किसी एग्जामिनर ने दिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। जब ऐसा क्वेश्चन अगर कोई एग्जामिनर देता है जिसमें उसने टेम्परेचर और Q1 Q2 दोनों दे दिया और वहाँ लिख दिया अनुत्क्रमणीय इंजन के लिए दक्षता निकालिए और आप ये फॉर्मूला, क्योंकि हमारी आदत ये हो चुकी है कि हमें कार्नो इंजन के इस फॉर्मूले वही याद है और वही क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं मैक्सिमम एग्जाम में छोटे छोटे में, और यही फॉर्मूला लगा के हम सोल्व कराएंगे और फिर जब हम एग्जाम में निकल के बाहर आंसर की मिलाते हैं तब हम ये कहते हैं कि ये तो 100% मेरा सही है, गलत हो ही नहीं सकता है ना, और वो अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय जो कंसेप्ट है इम्पोर्टेंट वो आप भूल जाते हो। तो इन ये दिमाग में रखना, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, यानी कि उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला लगेगा। कार्नो का आता है तो वो ऑलवेज उत्क्रमणीय है तो आपके पास ये फॉर्मूला लग जाएगा, और अगर वो कार्नो के अलावा कोई इंजन खाली क्वेश्चन में लिखा था कि कोई उसमें इंजन, तो इसका मतलब आपको वो वाला फॉर्मूला 1 - Q2/Q1 वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया कंसेप्ट, ठीक है, यहाँ से
बाकी जो कंडीशन दे रखी है ना, क्या कंडीशन दे रखी है? कंडीशन ये दे रखी है कि कोई भी इंजन है उसकी दक्षता, जो कोई भी इंजन है, अगर मान लो इसकी मैं बात यहाँ से करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं कंडीशन, कि अगर भाई ये इसमें क्या होगा, इफ़ टी वन इक्वल टू टी टू, यानी कि दोनों का टेम्परेचर बराबर है, बराबर उसके इसमें क्या हो जाएगा, डेटा इक्वल टू क्या, वन माइनस वन यानी कि जीरो, यानी कि वो इंजन कोई वर्क नहीं करेगा। ठीक है, पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि इफ़ टी टू इक्वल टू जीरो, जब टी टू इक्वल टू जीरो, जीरो में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, जीरो, तो नेटा कितना हो गया, वन। ठीक है, अब परसेंटेज में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब हो गया 100%, यानी कि उसकी दक्षता 100% होगी। तो टी टू जीरो केल्विन, एक किसमें, एक दिखाएगा केल्विन, यानी कि जीरो केल्विन होने पे टेम्परेचर, उसकी दक्षता क्या हो जाएगा, और किसी भी इंजन की दक्षता क्या होती है, 100% नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है, ये एक आइडियल कंडीशन है। ठीक है, आप जीरो डिग्री केल्विन कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते हो, है ना, ये दिमाग में रखना। आप 0.01 या 0.001 तक जा सकते हो, लेकिन कभी भी जीरो नहीं जा सकते। इसको बोलते हैं परम शून्य ताप, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, क्योंकि अगर वो पॉसिबल है तो आपके पास ऐसा इंजन बनाना भी पॉसिबल है जिसकी दक्षता, जिसकी एफिशिएंसी 100% हो जाए, और 100% एफिशिएंसी हो, ऐसा इंजन दुनिया में कभी पॉसिबल नहीं है। आप 99.99 तक जा सकते हो, लेकिन 100% तक नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। जब तक ये पॉसिबल नहीं है, तब तक ये पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो कई एग्जामिनर जो हैं, हालांकि मैंने भी जब एक बार पेपर सेट किया था यूनिवर्सिटी का, तो उसमें मैंने पेपर में एग्जाम ये क्वेश्चन दिया था, एक नंबर वाले क्वेश्चन आते ना उसके अंदर। ठीक है, और मैंने ये कहा था कि सिद्ध कीजिए, है ना, या फिर ऐसा कहा था कि एग्जाम उदाहरण से ही समझाइए कि किसी भी इंजन की दक्षता जो है वो 100% नहीं हो सकती। ठीक है, या इसका उल्टा बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि उसको, कि उल्टा क्या हो सकता है, हाँ उल्टा ये हो सकता है कि सिद्ध कीजिए कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, यानी कि संभव नहीं है, अटेंड करना संभव नहीं है। ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, यही कैसे भाई, जीरो डिग्री पॉसिबल नहीं है, अगर होता तो ये आपको 100% दक्षता मिल जाएगी, और 100% किसी इंजन की दक्षता नहीं हो सकती, इसलिए जीरो डिग्री भी पॉसिबल नहीं है। कौन सा, केल्विन, जीरो डिग्री सेल्सियस नहीं, जीरो डिग्री केल्विन, दिमाग में रखना, है ना। ठीक, चलिए, और ऐसे क्वेश्चन जब देते हैं ना हम, तो क्या होता है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, है ना, आदत नहीं है ना ऐसे क्वेश्चन करने की, समझ के, और उस पेपर के अंदर जो है, मेरे हिसाब से उस क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्सिटी वाले में जो मैंने दिया था, बीएससी का पेपर ही था, ऑनर्स वालों का था वो, सही, तो उसके अंदर किसी ने भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, और दिया था वो भी अलग अलग अजीब अजीब से क्वेश्चन के, उसके आंसर जैसे हमारी आदत है ना, कुछ भी लेके आ जाओ नंबर मिलेंगे, है ना, तो वैसे दिए थे जैसे आर्ट्स वाले आंसर देते हैं। ठीक है, वरना एक सिंपल सा एक लाइन का आंसर था, वो आंसर दे देते, मिल जाते पूरे पूरे नंबर। चलिए अब आ जाते हैं इसके बाद, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने इंजन विंजन की सारी बात कर ली है, तो इंजन विंजन की बात कर ली है, तो अब आ जाते हैं किसमें, ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम, है ना, अगला है ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे है, ये आ जाएगा अब आपके पास, हम यहां से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एंट्रोपी को डिफाइन जो है वो करने वाले हैं। वैसे तो क्या है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसके अंदर बहुत सारे कथन है, केल्विन का कथन है, उसके बाद केल्विन और प्लैंक का कथन है, क्लासियस का कथन है। ठीक है, वो कथन जो है वो, ये जब भी मैंने आपको सारा भी समझाया वो वही वाले कथन है। ठीक है, और इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आती है, वो क्या न्यूमेरिकल निकल के आती है, वही है ना। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, केल्विन और प्लैंक का कथन है, केल्विन एवं प्लैंक कथन। ठीक है,
और बी में क्या आएगा क्लॉशियस, ये दो कथन चलते हैं है ना, और दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई मतलब एक दूसरे की बात को ठहरा रहे हैं सही, बस कहने का तरीका इधर कान इधर से पकड़ लिया एक को उधर से कान पकड़ लिया, बस यही वाली बात है ना। तो इसमें है क्या कथन में, कथन में आपको स्टेटमेंट ऑफ केल्विन लिख लेना, स्टेटमेंट ऑफ केल्विन एंड प्लांक और स्टेटमेंट ऑफ क्लॉशियस ठीक है। तो ये है क्या कथन, तो इसमें क्या है ये जो इंजन हमने बनाए हैं ना उस इंजन की बात हम कर रहे थे अभी, हमने लास्ट में क्या कहा था कि 0 डिग्री केल्विन जो है वो टेम्परेचर हम नहीं ला सकते, जब 0 डिग्री नहीं ला सकते इसका मतलब 100% जो है वो उसकी एफिशिएंसी नहीं हो सकती ठीक है। उसी को कथन बना दिया किसने, केल्विन प्लांक। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में काम करते हुए है ना, चक्रीय प्रक्रम में काम करते हुए जो है उसकी उसकी एफिशिएंसी उसकी जो दक्षता वो क्या हो 100% हो जाए, यानी कि या फिर कह सकते हैं सारी की सारी उसमें वो किसमें कन्वर्ट करते हैं कार्य में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा इंजन बनाना असंभव है ठीक है। आगे समझ में क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो Q1 इक्वल टू W हो जाए और Q2 इक्वल टू कितना हो जाए 0 हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, या क्या कह सकते हैं अगर इंग्लिश में कहेंगे तो इसी चीज को इंग्लिश में कहेंगे कि देयर इज नॉट पॉसिबल टू मेक ए इंजन विच कन्वर्ट होल एनर्जी इनटू द वर्क सॉरी होल हीट इनटू द वर्क ठीक है, या दूसरे में क्या कह सकते हैं कि द एफिशिएंसी ऑफ इंजन बिकम 100% द एफिशिएंसी ऑफ इंजन बिकम 100% इज नॉट पॉसिबल ठीक है। ये किसने कहा था, केल्विन ऑफ प्लांक ने कहा था ठीक है। तो अगर इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये वाला है ना, तो इसको मैं अगर बनाना चाहूँ किसकी फॉर्म में, इंजन की फॉर्म में अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, केल्विन और प्लांक के लिए कि एक ऐसा इंजन है सॉरी ये इस तरह का इंजन है ना, यहाँ से गया ये इंजन बना, ये टोटल मिला के क्या हो गया T1 टेम्परेचर पे इसने Q1 एनर्जी ली सोर्स से और इधर क्या हुआ कुछ भी नहीं दिया ठीक है, इस सिंक को कुछ भी नहीं दिया, पूरा का पूरा क्या मिल गया वर्क। तो W इज इक्वल टू Q1 ये किसका है, ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है, इसको क्रॉस लगा दो, ऐसा इंजन कभी नहीं बन सकता, आपको कुछ ना कुछ तो वेस्ट देना ही पड़ेगा, वो Q2 क्या वेस्ट है और क्या उसमें ठीक है। पहला चीज इसने क्या कहा था, इसने उल्टा कह दिया, उल्टा क्या कह दिया कि क्या कह सकते हैं उसको कि बिना किसी बाह्य वर्क के है ना, इसने क्या कहा कि बिना किसी बाह्य इसी चीज को उल्टा कहा कि बिना किसी बाह्य वर्क से बाह्य जो कार्य है उसके बिना आप निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं कर सकते ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो हम इस इंजन के अंदर यानी कि जो हमारा नॉर्मल इंजन होता है उसमें ऊष्मा यहाँ से लेते हैं वर्क करते हैं यहाँ भेज देते हैं ठीक है, इसका उल्टा नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता इसका उल्टा। तो अगर इसकी बात मैं करूँ क्लासेस के अकॉर्डिंग कैसा इंजन बोल रहा है ये ठीक है, ये दिमाग में रखना ये चीज है ना। यहाँ पे ये कह रहा है कि इस तरह से अगर कोई इंजन है ना, यहाँ से उसने Q2 उष्मा ली है या Q1 ली है ठीक है और T2 केल्विन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा इंजन है जो क्या कर रहा है यहाँ से निम्न ताप से उष्मा ले रहा है और उस ताप में दे दे रहा है और बाह्य वर्क कुछ नहीं हो रहा, यहाँ बाह्य वर्क हो रहा क्या नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसा फ्रिज वाला केस है, फ्रिज वाला केस है ना, समझ पा रहे हो मेरे पास फ्रिज कैसे काम करता है। देखो मैं सारी चीज़ें आगे क्लियर कर रहा हूँ जो हमारे बनी हुई है, वो फ्रिज जो है वो एक रिवर्स इंजन है, हीट इंजन है, क्या है रिवर्स इंजन है ठीक है। नॉर्मली हीट इंजन में क्या होता है, अधिक ताप से उष्मा लेते हैं कुछ वर्क करके बाहर निकाल देते हैं और बाकी जो उष्मा है वो इसको दे देते हैं ठीक है। फ्रिज में क्या हो रहा है, फ्रिज आपका एक इंजन है ठीक है, फ्रिज क्या है एक इंजन, ये अब चलो भाई इसको समझ लीजिए, ये दोनों जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये किसने कहा था, वही जानते हैं भाई ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर नहीं जाती, अगर निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भेजना है तो कुछ बाहर से कार्य करना पड़ेगा ठीक है, बाहर से कार्य करना पड़ेगा। ये किसका क्लासेस का कथन है, ये प्लांक का, ये कथन जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है ये समझना, ये समझ में आ गया तो आप कथन अपने आप बना लोगे। ये कथन क्या है, ये कथन ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा इंजन बनाना असंभव है ना, पॉसिबल नहीं है ऐसा इंजन बनाना जो क्या करे
उष्मा ले उसको पूरी पूरी किसमें कर दे, इसमें कन्वर्ट कर दे, यहाँ कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा इंजन बनाना असंभव है, हाँ, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 100% तो नहीं हो सकती। यहाँ जाइए, ये क्या कह रहा है क्लासेस, क्लासेस ये कह रहा है कि निम्न ऐसा इंजन बनाना भी असंभव है जो निम्न ताप से उच्च ताप, निम्न ताप से उष्मा ले और उच्च ताप से उष्मा दे दे और बाह्य वर्क नहीं हो। क्या वो बाह्य वर्क नहीं हो, लेकिन इसका जो है बाह्य वर्क के साथ जो इंजन हम करते हैं वो क्या होता है, ठीक है, उसके बाद में कर लेता हूँ। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर उष्मागतिकी के जो द्वितीय नियम है उसको अलग एक तरीके से लिखते हैं, वो मैं बात करूंगा बाद में। पहले हम इसमें आ जाते हैं कि आपका फ्रिज कैसा होता है ना, फ्रिज कैसा होता है उसकी मैं बात यहाँ पे करूंगा ना। तो यहाँ अगला टॉपिक आप लगा लीजिए फ्रिज, है ना। पहले तो आप लगा लीजिए रिवर्स कार्नो इंजन, है ना, तो क्या बोलेंगे रिवर्स कार्नो इंजन, है ना, रिवर्स कार्नो इंजन जिसे हम क्या बोलते हैं फ्रिज। फ्रिज हमारा क्या है, कैसे, तो आप देखिए ये इस तरह से इंजन हो गया। फ्रिज क्या कर रहा है, जो लो टेम्परेचर है उससे उष्मा ले रहा है, ठीक है, लो टेम्परेचर से क्या कर रहा है, उष्मा ले रहा है, फिर कुछ उस पर वर्क कर रहा है, ठीक है, इससे उष्मा ले रहा है और इसको उष्मा दे रहा है और बाह्य वर्क हो रहा है, समझ पा रहे मेरी बात को। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबल है, इससे पहले वाले क्लासेस में क्या था, ये नहीं था, ये नहीं था, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जब आप फ्रिज की बात करते हो तो ये आपका फ्रिज है, ठीक है, ये उसके अंदर का भाग है, ठीक है, फ्रिज के जो अंदर आप पैक कर रहे थे ना, तो अंदर का भाग है, और ये बाहर कौन सा है, ये आपका कमरा है जिसमें फ्रिज पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब आप इसमें फ्रिज में लाइट लगाते हो, ऑन करते हो, तो इंजन ने वर्क किया, वर्क किया और यहाँ से उष्मा फ्रिज के अंदर से क्या ली, उसने उष्मा निकाली बाहर, बाहर निकाल के ये वर्क जोड़ के कहाँ दे दिया, अपना जो भी जिस कमरे में पड़ा उस कमरे को उष्मा दे दी। तो जब आप फ्रिज के आसपास बात, सर्दियों में देखना, गर्मियों में तो आपको इतना महसूस नहीं होगा, सर्दियों में जब फ्रिज के आस पास में जाता हो ना तो आपको गर्मी सी लगती है, महसूस होती है गर्माहट हल्की से, क्यों होती है, वहाँ का टेम्परेचर कम क्यों होता है, क्योंकि ये जो अंदर की उष्मा प्लस बाह्य जो वर्क लाइट से कर रहे हैं वो दोनों जुड़ के काम हो रही है, अपने को बाहर मिल रही है, ठीक है। तो ये किसका केस है, ये फ्रिज का, जिसे हम क्या बोलते हैं रिवर्स कार्नो इंजन। में क्या होता है, यहाँ से यहाँ चलता है, इसमें नीचे से यानी कि निम्न ताप से उच्च ताप की ओर चल रहे हैं, उसमें उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चल रहे हैं, इसमें इस वाले इंजन में नहीं, नॉर्मल हीट इंजन में, या रिवर्स हीट इंजन भी बोल सकते हैं इसको, कार्नो के साथ इसको लिख लीजिए रिवर्स हीट इंजन, ठीक है, रिवर्स हीट इंजन, है ना, क्योंकि कार्नो होता है उसका दक्षता एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, यानी कि, लेकिन यहाँ पे इसकी दक्षता क्या है, मैक्सिमम नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ लॉसेज होते रहते हैं ना। तो कुल मिला के वो एक आदर्श इंजन है कार्नो, तो आदर्श तो बना ही नहीं सकते इस तरह, तो हम सिर्फ हीट इंजन बना सकते हैं, तो ये क्या है, एक रिवर्स हीट इंजन, ठीक है, रिवर्स हीट इंजन है, ठीक है, आरएफ में। अब मान लीजिए अगर आप, जैसे एक क्वेश्चन और भी मैंने कहीं एग्जाम में दिया था शायद, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उसमें ये कहा गया था, क्वेश्चन था कि अगर फ्रिज का दरवाज़ा खुला रख दें, अगर फ्रिज का दरवाज़ा खुला रख दें तो रसोई या कमरे जो है उस कमरे का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा। तो मैक्सिमम लोग ये आंसर लिखेंगे, अरे फ्रिज ठंडा करता है, ठंडा करता है, जब उसका दरवाज़ा खोल देंगे तो कमरे को ठंडा कर देगा, और बताते भी है ना आजकल के वो जो चिपती जलती गर्मी का मौसम आया करके, अगर वो जब चलता तो फ्रिज खोल के उसे बाहर निकले ऐसे करके मुँह लगा के या उसके अंदर बैठ जाता था कि गर्मी नहीं लगे, लेकिन वो अगर फ्रिज बंद है तो भी अंदर ठंडा होगा, अगर वो चालू है तो क्या होगा, आसपास के टेम्परेचर को, अगर वो आपने गेट खोल रखा है तो आसपास के टेम्परेचर को क्या करेगा, बढ़ा देगा ना कि कम, क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही ये क्या करेगा, फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया तो ये दोनों एक दूसरे से मिल गए, ये दोनों एक ही बन गए भाई, यही कमरा है, कमरा और फ्रिज दोनों क्या है, जो है एक दूसरे के सामने में आ गए, ठीक है। तो वो कमरे से क्या कर रहा है, उष्मा ले रहा है, उसमें वर्क कर रहा है और वापस कमरे को दे रहा है, तो कमरे का क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ा, फिर वापस जो बढ़ा टेम्परेचर उसी से उष्मा वापस ले रहा है, उसमें वर्क जोड़ रहा है, फिर वापस दे रहा है और बढ़ा, फिर वापस ले रहा है, फिर दे रहा है, फिर वापस हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, धीरे 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 आपके जो रसोई कमरा है उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा, लेकिन वो इतना नहीं बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि कमरे के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड भी तो सामने में है, तो ब्रह्मांड का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तो उसमें कितनी देनी होगी, बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन अगर कमरा और रसोई बंद कर दिया आपने तो उसके बाद क्या होगा, अगर वो आइसोलेटेड है तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि इसमें वर्क एड हो रहा है,
ये उष्मा तो वहीं से ले रहा है, ठीक है उतनी ही ले रहा है, लेकिन उसमें वर्क क्या है, बार 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 एड हो रहा है और वो वापस उसको दिए जा रहा है, तो उष्मा क्या होगी धीरे धीरे इसकी बढ़ेगी, उष्मा बढ़ेगी तो अपने आप ही क्या होगा टेम्परेचर भी राइज होगा। तो अगर फ्रिज का आप दरवाज़ा खुला रखते हो वहाँ सोते हैं तो क्या होगा कुछ समय तक, तो क्योंकि वो फ्रिज जब तक उसकी उष्मा वो ठंडा है तो उसकी जब तक वो बर्फ वगैरह पिघलेगी पिघलेगी सारा मामला सेटअप होगा तब तक तो ठंडा लगेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये कमरे के सामने में आने की वजह से धीरे धीरे क्या हो जाएगा उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, ये नॉलेज की बात है, ये बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे। ठीक है, चलिए हाँ वो जरूर बता पाएंगे जिन्होंने डीपली इसकी स्टडी की है, बाकी जिन्होंने सिर्फ फॉर्मूले याद किए हैं, कारण व्यंजन क्या होता है 1-T2/T1 × 100 = 0 या फिर ये जो एग्जाम में आता है द्वितीय नियम, एग्जाम में क्या आता है उसमें गति का द्वितीय नियम लिखे क्लासिक और जो अपने केल्विन के नियम लिखाते हैं और बस खत्म। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर वो डायग्राम दिमाग में है तो उससे आप सब चीज़ सोल्व कर सकते हैं ना। तो ये हमारा पास हो गया अपना द्वितीय नियम हो गया, रिवर्सिबल इंजन नहीं बना सकते, ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ से। ठीक है, इसके अंदर जो है एक वो TDS वाला शायद इन्होंने नहीं किया है, वो मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करवा देता हूँ। एंट्रोपी वाला जो केस है ना उसकी मैं बात कर लेता हूँ। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अंदर एक चीज और आ जाती है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में क्या चीज आ जाती है, वो ये चीज आ जाती है कि जो आपके पास DQ है या फिर मैं कह सकता हूँ DQ जो होता है वो क्या होता है STD, ये एक दिमाग में रखेंगे आप। ठीक है, यहाँ S क्या है एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी का मतलब ये होता है इंग्लिश में लिखेंगे तो एंट्रोपी का मतलब होता है बिखराव, है ना, क्योंकि ये तीसरे नियम में जब आप जाओगे तो वहाँ हम कहेंगे कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा के लिए बढ़ रही है। ठीक है, तीसरा नियम जिसको नेंसर्ट का नियम कहते हैं उसमें गति है, उसमें क्या कहते हैं ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, यानी कि ऐसा कोई प्रक्रम नहीं है जिसके अंदर ब्रह्मांड की एंट्रोपी कम हो सके। तो एंट्रोपी दिमाग में रखना, एंट्रोपी का मतलब क्या है, एंट्रोपी होती है TDS, यानी कि जो आपकी इसको द्वितीय नियम भी कहते हैं, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम भी कहते हैं इसको, है ना। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई भी जो प्रोसेस हो, क्योंकि यहाँ पे हमने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रोसेस डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो उत्क्रमणीय जो प्रोसेस होता है उसमें एंट्रोपी स्थिर रहती है और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी है वो क्या है कॉन्स्टेंट रहती है, है ना, कम नहीं होती है, जितनी है उतनी रह सकती है। ठीक है, और जो कोई भी बाकी जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के अंदर, यानी कि जो बाकी प्रोसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके अंदर जब आपको थर्ड नियम की बात करेंगे ऊष्मागतिकी के, तो उसके क्या होगा कि वहाँ पे एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, एंट्रोपी कभी हमेशा कम जो कभी भी कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ से द्वितीय नियम का अगर देखें तो हमारा फर्स्ट नियम क्या था, ये क्वेश्चन वन, उसमें गति का प्रथम नियम क्या कहता है, DQ = DU + ΔW, है ना, और ΔW क्या होता है वो होता है PDV, तो मैं क्या लिख सकता हूँ DQ = DU + PDV। ठीक है, अगला यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो इस नियम को यूज करें, तो इस नियम को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि, अरे उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी इसको थोड़ा चेंज कर लेना, ये TDS होता है, क्या होता है TDS होता है ना, ये क्या बन जाएगा TDS = DU + PDV, ये मैंने उल्टा लिख दिया था उसको, सही कर STD नहीं है TDS है वो, है ना, ये चेंज इन एंट्रोपी। तो इसका मतलब जब आप उष्मा देते हो तो वो क्या होता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अगर उष्मा दोगे तो क्या करेगा प्रोसेस जो उष्मा वो हो रहा है ना, अगर कोई अनुत्क्रमणीय प्रोसेस है तो उसकी क्या होती है एंट्रोपी बढ़ती है। तो ये जो हमारे पास द्वितीय नियम और प्रथम नियम को जब एक साथ लिखते हैं तो हमारे पास अगला नियम बनता है, कौन सा बनता है TDS = DU + PDV। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि जो भी आप उष्मा गतिकी के जो वो पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था ना पोटेंशियल, तो वो पोटेंशियल हमेशा किसके फॉर्म में आएंगे P, V, T और S। तो आप देखो DU किसकी फॉर्म में आ गया, अगर उधर ले जाऊंगा तो DU किसकी फॉर्म में आ गया, DU आ गया हमारे पास TDS - PDV। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, जहाँ एंट्रोपी और ये क्या है आपका एंट्रोपी और आपका आयतन यानी कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, क्या चेंज होगा, उसमें चेंज होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, ऐसे ही मैं बाकी सबका भी लिखाऊंगा, है ना, अभी चलेंगे हम आगे धीरे धीरे। तो मैंने आपको जो चीज़ कही थी वो चीज़ यहाँ प्रूव कर रहा हूँ, ये वेरिएबल है
और ये पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये लिख लीजिए आप यहाँ से, है ना। तो ये करीब करीब जो है मैंने चीज़ें करवा दी हैं। अब आप उस थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा नियम देख लीजिए। तीसरा नियम क्या होता है, आपके जो 11-12 है, 11-12 में यहीं से कंप्लीट हो जाता है। कार्नो इंजन के बाद बाकी चीज़ें नहीं दे रखी है, क्लासेस का नियम वगैरह ये सब नहीं है, ये आपके यूजी से आ जाता है। क्योंकि मैंने आपको कहा ना, मैं उसी फ्लो में चल रहा हूँ जिसमें आपके ये इंजन है आपके, है ना। तो ये यहाँ से मेन सर्ट, इसमें गिविन नहीं है, इसमें चलते हैं। चलिए थर्ड नियम, वैसे इसमें 11-12 में इनमें दिया नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए, है ना, ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ऊष्मा गतिकी का तीसरा नियम, ठीक है। और ये लिख लीजिए कि पहला नियम, इसको नेनसर्ट की नेनसर्ट भी बोलते हैं, नेनसर्ट लॉ, नेनसर्ट सॉरी, तो ये नियम क्या है, ये नियम ये कहता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी, लिख लीजिए इसमें, नेनसर्ट का नियम क्या कहता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा, या कह सकते किसी किसी ऊष्मागतिकी प्रक्रम में, किसी ऊष्मागतिकी प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, ठीक है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, ठीक है। या इसको दूसरा तरीके से क्या कह सकते हैं, एक अनुक्रमणीय प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रोपी क्या रहती है, स्थिर रहती है, ठीक है, कम होने का नाम कहीं नहीं है, ठीक है। या फिर इसको इंग्लिश में कहेंगे तो क्या होगा, इन ए थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है। दूसरा कथन क्या हो सकता है इसका, उत्क्रमणी के लिए ना, दूसरा कथन है, इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इन रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये दिमाग में आप रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, और डेल्टा एस फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो। तो कुल मिला के क्या हो सकता है, कुल मिला के ये हो सकता है कि कोई सा भी प्रोसेस हो तो उसके लिए डेल्टा एस इक्वल टू जीरो ये हो सकता है, ठीक है। जब रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इक्वल टू जीरो, और अगर बाकी कोई सा भी प्रोसेस है इरिवर्सिबल तो क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और इसका मतलब क्या है डेल्टा एस का, डेल्टा एस का मतलब है एस टू माइनस एस वन, यानी कि पहले जिस स्टेट में थे वहाँ की एंट्रोपी माइनस, सॉरी फाइनल स्टेट की एंट्रोपी माइनस इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी जो है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो मैंने आपको कहा था रिवर्सिबल प्रोसेस, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस जो है ब्रह्मांड में पाया जाने वाला कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑलवेज क्या आएगा, यही वाला प्रोसेस आएगा। उत्क्रमणीय प्रक्रम जो है वो बनाए जा सकते हैं, है ना, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, धीरे धीरे प्रोसेस होना चाहिए, जो अपना सिस्टम है उससे कनेक्ट नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है तब जाके रिवर्सिबल प्रोसेस एक बनता है, ठीक है। बाकी रिवर्सिबल प्रोसेस नॉर्मली पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये सारा हमारा हो गया, जो भी मैंने थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ाना था, अब इसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उस पर जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था थर्मोडायनेमिक्स पे, तो सबसे पहले हम वही जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कहा कि उस जो आपके प्रोसेस है उन प्रोसेस पे किस तरह के न्यूमेरिकल जो हमारा वर्क वाला है ना उस पे कैसे आते हैं वो वाले क्वेश्चन का बात करते हैं ना। तो जैसे एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ है ये, और ये शायद एग्जाम में मुझे जहाँ तक याद है आया था क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है कि आपके एक ग्राफ दे रखा है ना, और ग्राफ किस किस के बीच में, वही पी वी ग्राफ है। तो पी वी ग्राफ है, इसका मतलब आप क्या पूछेंगे, कार्य पूछेंगे, है ना। तो कहेगा एक आदर्श एक परमाणु गैस का चक्रीय प्रक्रम ए बी सी डी ए के अनुसार है ना। ए बी सी डी ए क्या है, ये इस तरह चक्रीय प्रक्रम है, तो ए बी सी डी और फिर से ए, ये एक चक्रीय प्रक्रम है ना।
और इस चक्रीय प्रक्रम में ये कहा गया है कि ये जो पॉइंट है ये वाला है ना, ये पॉइंट कितना है, इसके जो इनिट वो दे रखे हैं वो है 2P और V। कोऑर्डिनेट क्या है, 2PV। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है 2P2V, 2P2V। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, P और 2V, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे PV। अच्छा A यहाँ से स्टार्ट, तो A B C और D, ये इस तरह से मान लीजिए। तो ये आपके पास गिवन है, तो देखो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट किस पे आएगा, पी पे, तो ये पॉइंट किस पे होगा, यहाँ पे वी पे। इस पे प्रेशर कितना होगा, पी, इस पे प्रेशर, यहाँ प्रेशर कितना होगा 2P, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा 2V, ठीक है। अब ये कह रहा है इस सक्रिय प्रक्रम में ये जो है क्या बोलते हैं कि जो है एक, हाँ सॉरी, एक जो आदर्श एक प्रमाणिक गैस है उसका सक्रिय प्रक्रम ABCD एक के अनुसार होता है। PV आरेख में किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब इसके अंदर हमें किए गए कार्य की गणना करनी। जब भी मैंने आपको ये कहा था कि हमें जब इस तरह का क्वेश्चन कोई दिया हो है ना, ग्राफ वाला, तो कार्य क्या होता है, तो वर्क जो होता है वो होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो इस कर्व के अंदर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया कितना होगा, तो आप देख लीजिए अब ये कैसा बन रहा है भाई, ये क्या बन रहा है आपके पास, अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है, ये जो बन रहा है ये है, या फिर मैं ले लेता हूँ W = एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD सॉरी A, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, W = अब ये कैसा बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, क्या एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, या इसको मैं लिख देता हूँ लेंथ कितनी हो गई, इसको लिख देते हैं AB into BC। अब AB कितना है, तो AB अगर हम देखें तो कितना होगा 2P - P, तो AB कितना है 2P - P into BC कितना है, BC की बात अगर हम करें तो B से C वो जाएगा 2B - V। तो कुल मिला के क्या बना, यहाँ से P, यहाँ से V, तो W = कितना आ गया PV। ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को दिया हुआ था, और यहाँ पे ना वैल्यूज दिए, शायद मैंने उसमें देखा था, ये फर्स्ट ग्रेड का है या फिर किसी के एक एग्जाम का, अभी भी रिसेंट हुआ उसी का है। इसके अंदर क्या किया गया था, यहाँ पे वैल्यूज दे दी है ना, 1 ATM 2 ATM, बात वही रही है ना। तो ATM है तो उसके अंदर आपके पास ये जूल के अंदर आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये ऐसा सिंपल सा जो है क्वेश्चन, अब एरिया अंडर द कर्व के ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं आपको कह रहा हूँ 101% है कि आपको इस जो प्रोसेस है एरिया अंडर द कर्व वाला, इस पे आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पे, और बाकी जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखा है ना, आइसोबारिक आइसोकोरिक वगैरह सबके लिए, वो वहाँ से फॉर्मूले आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे, उनकी कंडीशन जो है वो पूछ जाएगी, वर्क कितना होता है वो सारा पूछा जाएगा, है ना। नेक्स्ट अब हमारे पास है कार्नो इंजन वाले जो ना टॉपिक, उसके ऊपर देख लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा, कार्नो इंजन के क्वेश्चन करने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ, वो जो कार्नो इंजन का फॉर्मूला है ना, उसको हम बहुत सारे तरीकों में बदल सकते हैं, है ना। तो ये लिख लेना, फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, है ना, न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है उसमें जब कार्नो इंजन की बात हम करते हैं, किसके लिए है, कार्नो इंजन, ठीक है। जो कार्नो इंजन है उसके लिए क्या क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने क्या पढ़ा था, वहाँ एक पढ़ा था Neta = हमने सिर्फ ये पढ़ा था फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला, क्योंकि ये एक क्या है, हीट इंजन है तो इसके लिए भी वैलिड है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, जैसे मान लीजिए T1 - T2 / ये, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ W / Q1, भाई कार्नो इंजन पे क्या है, W / Q1 वही चीज़ है। अगर W / Q1, तो नेक्स्ट क्या लिख सकता हूँ, नीटा के फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम जैसे मान लीजिए इसको छोड़िए, नेक्स्ट क्या लिख सकता हूँ, W / Q1, इसको और भी क्या लिख सकता हूँ, Q1 - Q2 / Q1, ये हमने पढ़े थे। तो इसका मतलब जो नीटा का फॉर्मूला है कार्नो इंजन के लिए, वो ये तीनों ही हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, W / Q1 = पहला क्या हो सकता है, ये हो सकता है Q1 - Q2 / Q1, और एक हो सकता है T1 - T2 / T1, एक तो ये हो गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, है ना। अब इसी को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूँगा, क्योंकि मुझे कई सारे फॉर्मूले ऐसे आएंगे इसमें जब मुझे यूज करने पड़ेंगे ना क्वेश्चन करते टाइम, तो मुझे वो देखने पड़ेंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा हाँ, यहाँ से एक चीज़ और निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, तो आप देखिए, अगर मैं इन दोनों को यूज़ करूँ एक साथ, है ना, तो क्या आएगा,
Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक और कंडीशन क्या बन गई। ये कंडीशन भी आपको कई सारे फॉर्मूलों जो आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें काम आने वाली कंडीशन ये है, ठीक है। एक कंडीशन और यहाँ से काम आने वाली है, ये लिख लो आप फटाफट, लिख ली होगी, मिटा रहा हूँ वापस इसको, पॉज करके लिख लेना, नहीं तो नहीं लिखी हो तो। फिर यहाँ से एक कंडीशन और आएगी, वो क्या आएगी, W अपॉन Q2 है ना, वो मुझे फाइंड आउट करना है। उसके लिए मुझे क्या करूँ, ये जो इक्वेशन है मेरे पास W अपॉन Q1 है ना, तो W अपॉन Q1 से मुझे उस इक्वेशन पे जाना है, तो वो वाली कंडीशन मैं लगा देता हूँ इसके अंदर। कौन से क्वेश्चन में आ रही है वो, एक फॉर्मूला और है इसके अंदर कार्नो इंजन का, जो गामा की फॉर्म वाला है, वो भी मैं अभी आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन ये, हाँ ये वाले क्वेश्चन जैसे हैं, तो इसी कंडीशन से, ये जो कंडीशन दे रखी है इन्हीं से मैं एक और कंडीशन फाइंड आउट करूंगा यहाँ पे, है ना, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डायरेक्ट आपके काम में आई कई बार, है ना। क्यों, क्योंकि समस्या क्या है कि आपको इन सब में से कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी चीज़, ये टाइम प्रेशर देखिए, ये देखिए, इन सब में से 6-7 चीज़ें इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। जब पूछेंगे तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, उसका वो इक्वेशन बनाने में, वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जो अगली कंडीशन है यहाँ से मैं जो इसमें लूँगा, वो कंडीशन ये वाली है कि ये जो है यहीं से स्टार्ट करते हैं कि W अपॉन Q1 इज इक्वल टू क्या है, T1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्या चेंज करता हूँ कि इसको W अपॉन Q1 इज इक्वल टू, सॉरी उल्टा कर देते हैं, Q1 अपॉन W ना, Q1 अपॉन W इज इक्वल टू, इसको कर देते हैं ये वाला कंडीशन, ठीक है, ये कर सकते हैं। या अच्छा सॉरी, एक बार इसको पहले ऐसा करिए, W को यहाँ से वो करिए, Q2 अपॉन Q1 में है ना, W अपॉन उसमें जाना है अपने को, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, हाँ चलिए उल्टा कर दीजिए पहले, तो आप इस तरह से उल्टा कर दीजिए इसको, और उल्टा करने के बाद में जो आप ऐसा करिए कि इसमें इसको लिख सकता हूँ मैं, क्या इसको लिख सकता हूँ मैं, W प्लस Q2 है ना, इसे क्या लिख सकता हूँ, W प्लस Q2 अपॉन W इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। अच्छा उधर उल्टा नहीं किया क्या, उधर भी उल्टा करना है ना, तो ये हो जाएगा T1 अपॉन T1 माइनस T2, और ये भी हो जाएगा T1 अपॉन T1 माइनस T2 है ना। अब इसमें डिवाइड कर दीजिए, जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, Q2 अपॉन W इज इक्वल टू T1 और T1 माइनस T2, ये उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस वन को इसको सोल्व करिए, तो Q2 अपॉन W इज इक्वल टू यह आ जाएगा T1, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का T1 और प्लस का T2 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है। कुल मिला के ये कैंसिल आउट, इसको फिर से उल्टा कर दीजिए, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, फाइनल इक्वेशन बन जाएगी W अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन ठीक है, ये वाली जो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, W अपॉन Q2 इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन W अपॉन Q2 इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2, ठीक है। ये आपके पास एक कंडीशन है, ये कंडीशन भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है, कई बार आपके जो है यूज आएगी, है ना। या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा क्या कर सकते हैं, Q2 अपॉन, अच्छा इसी जगह Q2 अपॉन T2 कर देते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये भी कि Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू W अपॉन T1 माइनस T2, ये कंडीशन, मतलब ये इसी को मैंने मिस किया है ना। तो ये कंडीशन जो है ना, ये वाली, ये कंडीशन जो है आपको कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे, तो मैंने इसलिए आपको पहले से लिखा थी, इनको इम्पोर्टेंट लगा लेना, है ना। क्योंकि होता क्या है, कार्नो इंजन के लिए सिर्फ हमें एक ही चीज़ याद रखते हैं, कौन सी, ये वाली, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा घुमा के देते हैं, और जब घुमा के न्यूमेरिकल देते हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ होती है, इनके आपस में जो फॉर्मूले बनते हैं मैच करके वो यूज़। अच्छा मैं एक जो फॉर्मूला आपको कह रहा था वो गामा वाला, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक फॉर्मूला जो कार्नोट इंजन के लिए आता है यूज में, है ना, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा,
पर कई बार ना डायरेक्टली पूछ लेते हैं, है ना। तो उस केस में ये कैसा बनता है न्यूमेरिकल फॉर्मूला, वो ये बनता है कि ईटा इज इक्वल टू 1 - 1 / रो, रो क्या है डेंसिटी, ठीक है, टू दी पावर गामा माइनस वन, टू दी पावर गामा माइनस वन। ये किसके लिए बनता है, ये भी एक फॉर्मूला है कार्नो इंजन के लिए नीटा के, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है फॉर्मूला, बाकी इसमें न्यूमेरिकल आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, है ना। न्यूमेरिकल जो पूछेंगे वो आपको सारे इसी के फॉर्म पे पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल्स अगर हम देखें तो इसमें तो खैर नहीं दे रखे हैं, तो इसके अंदर अगर आप देखें क्वेश्चन, ये तो बड़े सिंपल सिंपल है, मैं कुछ थोड़े से जो अलग से क्वेश्चन है वो करा देता हूँ। अच्छा, एक ये क्वेश्चन देखिए कि एक किलो वोट का कार्नो इंजन क्या है, 1 किलो वोट का कार्नो इंजन, तो क्वेश्चन है हमारा और ये इसमें गिवन है, 1 किलो वोट का कार्नो इंजन, ठीक है, 327 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करता है। इंजन द्वारा अवशोषित ऊष्मा, विसर्जित ऊष्मा और उसकी दक्षता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसको समझना, क्वेश्चन क्या है, 1 किलो वाट का, तो 1 किलो वाट का कार्नो इंजन का मतलब क्या, उसकी क्या दे दी उसने, शक्ति दे दी, है ना। 1 किलो वाट का कार्नो इंजन तो उसकी क्या दे दी, शक्ति दे दी, तो W कुल मिला के क्या हो गया, 1 किलो वाट। ये हमें दिया कितना हो गया, 1000 वाट इसने शक्ति, तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में कितना काम करेगा, 1000 जूल काम करेगा, ठीक है, ये इसकी शक्ति दे दी। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि उसकी क्या निकालनी है, अच्छा देख टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर जो है T1 कितना दिया है, 327 डिग्री सेल्सियस, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में, तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 273 जोड़ देंगे, तो 73 जोड़ेंगे 323, 600 कितना हो गया, 600 केल्विन। T2 कितना दिया है, T2 दिया है 27 केल्विन, T2 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। ये हमेशा ध्यान रखना है केल्विन में बदलना है, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। अब इसमें कहा है कि एक तो क्या पूछा इन्होंने, इन्होंने ये कहा है कि इसकी दक्षता, ठीक है, उसके बाद अवशोषित ऊष्मा, विसर्जित ऊष्मा और दक्षता, तीनों चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो अवशोषित ऊष्मा तो आप कैसे निकालोगे, W आपको गिवन है, तो नीटा का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन Q1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बनेगा, T1 - T2 / T1, ये बनता फॉर्मूला। अब क्या कर सकते हो, मुझे W गिवन है, T1 T2 गिवन है, सब गिवन है, ये निकाल सकता हूँ। तो पहला एग्जांपल जो सॉल्व हो जाएगा, अवशोषित ऊष्मा, यानी कि कितनी ऊष्मा ली, Q इज इक्वल टू, इधर ले आइए, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो W × T1 और T1 - T2, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, सारी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास, और 600 / 600 - 300, तो कुल मिला के 6 × 10^5 तो यहाँ मिलेगा, यहाँ से ये डिवाइड होगा, तो 300 रहेगा, 300 में से 2 पावर यहाँ जाएगी, तो कितनी बचेगी, 3 पावर बचेगी, और ये 2, तो कितना हो गया, 2 × 10^3, ठीक है, इसकी फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा वाट की फॉर्म में, इसमें आ जाएगा वाट, तो इतना इसने पावर ली या उष्मा ली है, ठीक है। अगला बी क्या पूछा है, क्योंकि W मुझे गिविन है, है ना, तो ये क्या होता है, Q1 - Q2 के बराबर, Q2 फाइंड आउट करना है भाई, कितनी है उष्मा, कितनी है? जैसे ये तो क्या है, अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब कितनी हुई एनर्जी, ये क्या उत्सर्जित यानी कि एमिट कितनी करेगा, तो एमिट कितनी करेगा, जो वर्क करेगा उसके बाद में जो बची हुई वो एमिट कर देगा, तो Q1 - W, तो Q2 इज इक्वल टू, ये 2000 हो गया, है ना, माइनस वो कितना है, 1000 तो कितना हुआ, 1000 वॉट, ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला थर्ड केस, ये कितनी होगी, इसमें सोचना ही नहीं है, तो 1 - 300 / 600
300 अपॉन 600 ये कैंसिल आउट, 1/2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 0.5, यानी कि आधी दक्षता तो हो ही ना आधी, जितनी ली है उसका आधा कार्य हुआ और आधा वेस्ट हो गई, तो इसका मतलब कितनी आगे दक्षता 50% आ गई। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको इसको सोल्व करना है, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिंपल क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा कि टेम्परेचर दे दिया दोनों का, दक्षता निकालिए, वो नहीं करा रहा ना, वो आप पता है हो जाएगा आराम से। कुछ इंटरेस्टिंग है ना, कुछ थोड़े से जो कहते हैं कि सोचना पड़े, ऐसे क्वेश्चन अपन यहाँ पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, अगला मैं जो अभी मैंने वो लिखवाए थे सारे, उस पर बेस्ट मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ कहीं मुझे मिल जाए तो। ये भी नहीं है, ये भी आपसे हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, है ना। तो कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा अपने को, हाँ ये देखिए, समझ क्वेश्चन को सुनना। यदि एक रेफ्रिजरेटर के अंदर का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस पर है ना, कितना है -3 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखना है, तथा बाहर का वायु का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर से 1 जूल उष्मा निष्कासित करने के लिए, रेफ्रिजरेटर के अंदर से 1 जूल उष्मा निष्कासित करने के लिए न्यूनतम कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो अब इसको आप समझिए क्वेश्चन को। सबसे पहले तो इसने क्या कहा है, क्वेश्चन में जो गिविन है वो लिखिए, है ना। गिविन क्या है कि रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर का इनसाइड का टेम्परेचर कितना है -3 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब वो क्या होगा T2। ठीक है, T2 कितना हुआ -3 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट किस में करोगे, केल्विन में, तो इसमें कितना जोड़ोगे 273 जोड़ते कितना हो जाएगा ये 270 केल्विन। ठीक है, बाहर का जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर कितना है T1, वो कितना है, वो है अपने पास 27 डिग्री सेल्सियस। जो अपने घर का टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब इस 27 डिग्री सेल्सियस किसमें कन्वर्ट करोगे, अपने वही केल्विन में, तो क्या हो जाएगा 27 में 300 केल्विन। ठीक है, 273 में 27 जोड़ देंगे 300 केल्विन। अब आगे क्या कह गया, उष्मा निष्कासित करनी है, यानी कि उस जो उसके अंदर हीट है उस हीट को क्या करना है, एमिट करना, और कितनी हीट को एमिट करना है 1 जूल हीट को एमिट करना है। तो इसका मतलब जो Q2 है वो कितना है 1 जूल, Q2 कितना है 1 जूल। तो न्यूनतम कार्य की गणना कीजिए, क्या करना है न्यूनतम कार्य की गणना करनी है, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है W जो है वो फाइंड आउट करना है। अब तो जो भी हीट इंजन है कुछ भी है उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, η = क्या होता है W/Q1, ये सब एक साथ लिख दीजिए, क्या होता है W/Q1 = Q1 - Q2/Q1 और एक T1 - T2/T1, ये है। इन सब से हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये हमारे सारे फॉर्मूलों के कौन से लगेगा अभी देख लेते हैं। मुझे Q2 गिवन है, T1 T2 गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है, वर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो इन दोनों को यूज कर लूँ और क्या फाइंड आउट कर लूँ, इन दोनों को यूज करूँगा क्या वो इक्वेशन बनेगी, इन दोनों को यूज मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ एक तरह ना, कितने भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को यूज करता हूँ तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन बनती है Q1/Q2 = T1/T2 बनती है। ठीक है, इससे मैं क्या करता हूँ Q1 फाइंड आउट कर लेता हूँ, Q1 कितना आएगा, तो आप वहाँ से रख दीजिए इसमें वैल्यूज, तो तो ये हो जाएगा T1/T2 × Q2। T1/T2 कितना होगा, T1/T2 ये है 300/270 × 1 जूल। ठीक है, ये कैंसिल आउट होके आगे और सोल्व करोगे तो 30 और 27 है तो कितना आ जाएगा 10/9, है ना, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी जूल में, जूल में कितना मिल गया 10/9। अब इससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हो W, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इसकी एफिशिएंसी आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, नीटा निकालोगे T1 T2 वाले फॉर्मूले से क्या बनेगा, नीटा निकालोगे T1 T2 वाले फॉर्मूले से क्या बनेगा 1 - T1 T2, या इसको माइनस करके देख लेते हैं ना, इसे दशा क्या बन जाएगा आपके पास 1 - 10/9 नहीं 10/9 हाँ 10/9 1 - 10/9 बनेगा नीटा अगर देखेंगे तो, क्योंकि यहाँ कितना रखें 9/10 सोच उल्टा रख दिया 1 - 9/10 क्यों, क्योंकि ये कितना होगा 227 1 - 227/300 तो कितना आएगा यही वाली चीज़ मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए ये चीज़ मिल गई, ये किसके बराबर होगी नीटा के बराबर, ये आप यहाँ पुट कर दीजिए किसमें इस वाली इक्वेशन में, तो वहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये नीटा के बराबर है ना, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हुई, ये हुई W/
Q1 के बराबर। तो W बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q1 इंटू नीटा। W बराबर कितना हो जाएगा, Q1 इंटू नीटा। तो Q1 कितना है, Q1 है 9/10। नीटा कितना है, तो नीटा आप देख लीजिए इसमें से सोल्व करेंगे, 10 इधर जाएगा, ठीक है, -9/10 दैट इज 1/10, ठीक है। नीटा कितना है, 1/10, तो ये कितना हो गया 1/10, ठीक है। तो कितना हो गया 9/16, कितना हुआ 9/100 जूल जो है वो क्या हो जाएगा आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है। कुछ गलती करिए क्या, वो हो जाएगा 1-, हाँ ठीक है इतना बच गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ 10 है ना, उल्टा उल्टा कर दिया, यहाँ कितना 10/9 है, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, तो 1/9 जूल, ठीक है। तो वर्क कितना आया, 1/9 जूल वर्क आया। ऐसे भी कर सकते हैं, या दूसरा क्या कर सकते हो, अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा था उसका ये क्या दूसरे वाला फॉर्मूला, अभी मैंने क्या लिखवाया था जो मैंने उसको बनाया था, तो वो फॉर्मूला एक मैंने आपको लिखवाया था, वो था Q2 upon T2 is equal to क्या आ जाएगा W upon T1 minus T2, ठीक है। इससे भी आप सोल्व करोगे तो फाइनल फॉर्मूला, क्योंकि अभी W बनेगा तो क्या बनेगा, W इज इक्वल टू ये हो जाएगा T1 minus T2, है ना, डिवाइडेड बाय T2 इंटू Q2। रख दीजिए सारा क्वेश्चन सोल्व करिए, तो कितना आ जाएगा, ये इसमें से इसमें माइनस करोगे, ठीक है। तो माइनस करोगे तो क्या इक्वेशन मिलेगी, T1 300 माइनस ये, या इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको भी क्या लिख देता हूँ, 1 minus, उल्टा लिख दिया, T1 upon T2 minus 1 into Q2, है ना। तो T1 minus T2 कितना है, तो T1 minus T2 हो जाएगा आपके पास 300 बटा ये, Q1 कितना है 1 जूल, तो 1 जूल बच गया। अब आगे सोल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, फिर वापस वही कितना बचेगा, 10 बटा 9 माइनस 1 करोगे तो क्या बनेगा, 10 minus 9/9, तो कितना आएगा 1/9। तो अभी पहले भी 1/9 आया था, अभी भी कितना रहा 1/9। तो वो जो फॉर्मूले थे उन्हीं से मैंने क्या निकाल दिया, ये क्वेश्चन निकाल दिया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आप रटो, आप उसको आप एक दो बार इसको सोल्व करके देखो उन फॉर्मूलों को, वो फॉर्मूले बनाओ, वो बना के डायरेक्ट यूज कर सकते हो। नहीं भी आए तो घबराना नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन में आपको ये जो चीज़ है ना, ये बेसिक है, ये जो चीज़ है ये बेसिक है। इसमें आप कैसे कैलकुलेशन करके और बाकी चीज़ें फाइंड आउट करते हो वो आप पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब कोई समस्या आपको आनी नहीं चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो और भी न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और न्यूमेरिकल की जो आप प्रैक्टिस करते जाइए, जितने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।